हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव द रैम फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी अगर हम अपने कंप्यूटर में से रैम निकाल देते हैं तो हमारे कंप्यूटर के साथ क्या हुआ। तो हम दोस्तों सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है उतना आपको इसके बारे में जानकर भी मजा आएगा। तो बस दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड डॉक्स। लेट्स बिगिन। तो अगर हमें ये जानना है कि हम अपने कंप्यूटर में से रैम निकाल देते हैं फिर हमारे कंप्यूटर के साथ क्या होगा, आपको ये बात जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बूटिंग क्या होती है। क्योंकि अगर आपको बूटिंग के बारे में नहीं पता तो आप मेरी बातों को सही से नहीं समझ पाओगे। पहले तो शुरू करते हैं बूटिंग से। बूटिंग क्या होती है? पहले सीधे शब्दों में कहूँ तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग का प्रोसेस कुछ नहीं होता है कि सबसे पहले जैसे ही हम अपने कंप्यूटर या पीसी का स्टार्ट बटन दबाते हैं, एक चिप एक्टिवेट होती है जिसको बोलते हैं सीमोस। और दोस्तों सीमोस की फुल फॉर्म यहाँ होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पर दोस्तों अब आप पूछोगे सीमोस क्या होता है? सीमोस एक्चुअली एक चिप है जो कि रोम के अंदर सेव रहती है। और आपको पता ही होगा कि प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरीज होती हैं, एक रैम और एक रोम। रैम वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल आपको पता ही होगा, जिसमें जब तक करंट है यानी जब तक चार्ज है तब तक उसमें जो फाइल्स हैं वो रहेंगे स्टोर, और जैसे ही करंट बंद हो जाता है, चार्ज चला जाता है उस मेमोरी में से, वो जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगी। और अब रोम क्या होती है? रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि अगर चार्ज है तो उसके अंदर रहेगा ही, और अगर चार्ज नहीं है तब भी उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो सेम रहेंगी। और जो सीमोस की चिप होती है वो रोम के अंदर इसीलिए रखी जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़रूरी डाटा होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम। आपने नोटिस किया होगा या शायद नहीं किया होगा कि जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हो आपकी डेट एंड टाइम बिल्कुल ही सही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रहते हैं सीमोस के अंदर सेव। और जो सीमोस की चिप होती है वो होती है रोम के अंदर, यानी कि चार्ज नहीं है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर तो फाइल सेव रहती है। और तो जो सीमोस है उसकी एवरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 256 बाइट्स होती है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी है आपके पीसी की सेटिंग्स को सेव रखने के लिए, डेट एंड टाइम को सेव रखने के लिए, और बायोस की सेटिंग को सेव रखने के लिए। बायोस ओवर आप पूछोगे बायोस क्या होता है? तो वेल दोस्तों जो सीमोस है, सीमोस के बाद जो काम शुरू होता है वो होता है बायोस का। सीमोस अपने अंदर रखी बायोस चिप को कॉल करता है, और बायोस पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर शुरू होने पर सबसे पहले शुरू होता है। और दोस्तों यहाँ अगर आप टेक्निकल हो तो मे भी आपने बायोस तो सुना ही होगा। बायोस की फुल फॉर्म भी शायद आपको पता हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बोल दोस्तों बायोस का क्या काम होता है? बायोस का काम होता है हमारे जो सिस्टम है उसके बेसिक इनपुट आउटपुट को स्कैन करना। जैसे कि हो गई रैम हमारी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्प्ले हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, इन सबको स्कैन करता है। और जो ये एक्शन होता है इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोस्ट, यानी कि POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें ये अपने अंदर रखी डिवाइसेस को, जैसे कि मैंने कहा, स्कैन करता है बेसिक डिवाइसेस को जो नीडेड होती हैं, जो बहुत ही नेसेसरी होती हैं एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब जब पोस्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर बारी होती है बूट लोडर की। बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने अंदर रखी बूटेबल फाइल्स को स्कैन करता है, यानी कि कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो ज़रूरी फाइल्स चाहिए होती हैं उनको स्कैन करता है। और बूट लोडर भी ये काफ़ी सारे स्टेप्स में करता है। फर्स्ट बूटेबल डिवाइस के अंदर फाइल मिल जाती हैं,
जिससे कंप्यूटर को वो बूट कर सके यानी कि शुरू कर सके, तो कंप्यूटर शुरू होता है। वरना वो सेकंड बूटेबल डिवाइस में देखता है, फिर थर्ड बूट डिवाइस में, और उसमें अगर इन तीनों में भी बूटेबल फाइल नहीं मिलती है तो वो अदर बूटेबल फाइल्स को चेक करता है ताकि वो कंप्यूटर को शुरू कर सके यानी कि बूट कर सके। और जैसे ही जिस फाइल में भी उसको सबसे पहले फाइल मिल जाती है बूटेबल फाइल्स, वैसे ही वो कंप्यूटर को बूट करता है और आपके सामने आ जाता है आपका डेस्कटॉप। तो वैसे दोस्तों ये होती है पूरी प्रोसेस एक कंप्यूटर के शुरू होने की। शायद आपको इतना डिटेल में तो नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों यही होता है एक कंप्यूटर को शुरू होने से पहले जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, और बहुत लंबा होता है। लेकिन ये होता इतनी तेज़ी से कि आपको पता ही नहीं चलता, कि पलक झपकते ही हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो वैसे दोस्तों ये तो बात थी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई है तो हमारा कंप्यूटर नॉर्मली किस तरह से स्टार्ट होता है। हाँ वैसे दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जो बायोस है, बायोस जैसे ही पोस्ट की प्रक्रिया पूरी करता है वैसे आपको नॉर्मल बीप की आवाज़ नहीं देती होगी, एक छोटा सा शॉर्ट बीप जैसे ही बायोस पोस्ट की प्रक्रिया पूरी कर लेता है। अगर आपने सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा बायोस पोस्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद छोटा सा बीप की आवाज़ देता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में से रैम निकाल ली जाए तो हमारे सिस्टम के साथ क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीमोस है वो तो ऑन होना ही होना है, क्योंकि वहीं से काम शुरू होता है कंप्यूटर को बूट करने का। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पहले कॉल होता है, जैसे हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं सीमोस चिप शुरू होती है, सीमोस चिप का काम शुरू होता है जैसे ही, जो कि रोम के अंदर होती है रीड ओनली मेमोरी के अंदर, वैसे ही वो बायोस को कॉल करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फिर बायोस चेक करता है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को, जैसे कि रैम रोम, अभी मैंने बताया रैम, कीबोर्ड मॉनिटर हार्ड डिस्क, और जैसे ही वो उसको स्कैन करता है उसको पता चलता है कि रैम तो आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई नहीं है। तो अब क्या होगा, तो वैसे दोस्तों अब क्या होगा, अब होगा कुछ यूँ कि चूँकि आपके सिस्टम में रैम तो लगी हुई नहीं है तो जो पोस्ट की प्रक्रिया है वो आधी रह जाती है, और बायोस को जैसे ही पता चलता है कि आपके सिस्टम में रैम नहीं है वो एक कंटिन्यूसली बीप की आवाज़ देता रहेगा कुछ इस तरह की। और जो ये प्रॉब्लम होती है वो होती है रैम काम ना कर रहा हो सही से, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो फिर दोस्तों जैसे ये बीप की आवाज़ शुरू होती है फिर क्या होता है, फिर होता कुछ यूँ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने लगता है और आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है। और दोस्तों ऐसे में अगर आप अपने मदरबोर्ड को टच ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मदरबोर्ड बहुत ही हॉट हो जाता है इस समय, और अगर आप उसको टच करोगे तो आप अपने हाथ को डैमेज कर सकते हो। मैं कहूँगा कि कभी भी आप ऐसा ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। आपका मदरबोर्ड चूँकि जल चुका है तो ऑब्वियसली बात है कि जो वीडियो कार्ड है जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड चूँकि हमारे डिस्प्ले पर ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है, तो ऐसे में होगा कुछ यूँ कि आपके स्क्रीन पर वर्टिकल रेनबो लाइंस दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि ग्राफिक कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पर सही से ग्राफिक लोड नहीं कर पाएगा, और वर्टिकल रेनबो लाइंस आपको दिखाई देने लगेंगी कुछ इस तरह की। और अगर आपका कंप्यूटर शुरू है, आपका कंप्यूटर इस समय आप अपने डेस्कटॉप पर हैं और इस समय पर अगर आप रैम निकालते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, चूँकि आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा तो आपको नया मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4000 या उससे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्राइस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो CPU है वो किस जनरेशन का है। ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि रैम रिमूव करने पर आपके कंप्यूटर के साथ क्या होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं जानता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, और अगर नहीं पसंद आई तो मत लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ और जानना हो, इस वीडियो में किसी भी चीज़ के बारे में और बातें जाननी हो या किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।